हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। गाइस, आज का भी मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट थ्रेड फास्टनर से ही है। लास्ट वीडियो में हमने कैपनेट और डोम नट के बारे में जाना था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नल नट और विंग नट। सो गाइस, सबसे पहले इसके प्रोपोर्शन जान लेते हैं। लेंथ ऑफ नट जो होगी 1.8D, हाइट ऑफ नट 0.8D, चैम्फर एंगल इसमें 45 डिग्री का होता है। कॉर्नर्स चैम्फर एंगल हाइट जो होती है इसकी वो 0.1D होती है। इसमें भी हमने डाया 20 अज्यूम किया है। जहां भी डी आएगा वहां हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ और हाइट हमें प्राप्त हो जाएगी। सो गाइज, अब ड्रॉ करते हैं नर्ल नट। सबसे पहले हम इसका फ्रंट बनाएंगे। 1.8 × 20 होगी तो ये 36 mm हो जाएगी। हाइट हमारी 0.8 है तो ये 16 mm हो जाएगी। और कॉर्नर चैम्फर हाइट जो है 0.1D है तो 2 mm हो जाएगी। सो गाइज, सबसे पहले हम 36 लेंथ और हाइट 16 ले लेते हैं। सो गाइज, अब जो कॉर्नर्स की हाइट है वो है 0.1D तो 2 mm, तो यहां से 2 mm और यहां से 2 mm लेंगे हम। चैम्फर एंगल 45 डिग्री है तो सभी कॉर्नर से 45 डिग्री लेंगे। सो गाइज, अब इसका हम टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। सो गाइज, अब इसकी डायमेंशन शो कर लेते हैं। सो गाइज, इस प्रकार हमारा नर्ल नट कंप्लीट हो गया है। जो इसकी लेंथ है 1.8D है, टोटल हाइट 0.8D, चैम्फर की जो हाइट है ये वाली वो 0.1D और ये भी, और सभी कॉर्नर से 45 डिग्री का एंगल या चैम्फर लगा हुआ है इसमें। ये हमारा डाया है और ये नर्लिंग होती है जो ग्रिप बनाने के लिए यूज होती है। इसको हम कन्वेक्शन रिप्रेजेंट के अनुसार करते हैं, पूरा करने की जरूरत नहीं होती इसमें। सो गाइज, नेक्स्ट हमारा विंग नट है। जो इसके प्रोपोर्शन है, लेंथ ऑफ नट जो होती है वो 2D रहती है हमारी। सेकंड लेंथ जो आती है इसकी 1.5D है। हाइट ऑफ नट D है। हाइट ऑफ सेंटर 0.4D है। कॉर्नर ऑफ विंग 1.2D है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ विंग, रेडियस ऑफ विंग 0.6D, थिकनेस ऑफ विंग 0.2D। तो अब ड्रॉ करते हैं विंग नट। सबसे पहले हम 2D ले लेते हैं, यानी 20 से मल्टीप्लाई करके 40 mm। ये हमारी सेकंड लेंथ है जो 1.5D है। अब हाइट लेंगे हम ये वाली सेंटर की तो ये 8 mm हो जाएगी।
सो गाइज यहाँ से सेंटर की हाइट 0.4D है, अगर इसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 mm आएगी, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2.4D है, तो इस सेंटर से हम हाफ और हाफ इधर लेंगे, यानी ये 48 हो जाएगी, तो 24 इधर 24 इधर। अब इसका टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। सो गाइज ये हमारी थिकनेस ऑफ विंग है 0.2D यानी 4 mm। अब इसमें डायमेंशनिंग शो कर लेते हैं। सो गाइज इस प्रकार हमारा विंग नट भी कंप्लीट हो गया है। इसमें हमें जहाँ भी डी शो हो रहा है वहाँ हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेंथ हमें प्राप्त हो जाएगी या हाइट प्राप्त हो जाएगी। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।